अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद है कि सारे अपने अपने घर च खैर वाफियत नाल होवोगे। अलहमदुल्ला असीं भी अपने घर ठीक है गए। तो अज तुहाडे नाल ना आलू गोश्त की रैसपी शेयर कर रहे हैं। मैं क्या बतखा वेख वेख के तुसीं तंग आ गए होवोगे। तो इत्थे एक किलो साढ़े कोल बकरे का गोश्त है। इहदे च एक गंडा मैं लसन का पा दिता है, एक गंडा जिहड़ा है प्याज का पा दिता है। एक गिलास पानी पाया, एक चम्मच जिहड़ा है असीं नमक शामिल कर देंगे, एक चम्मच असीं लाल मिर्चा शामिल करांगे, एक चम्मच ही हल्दी शामिल करांगे, एक चम्मच खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। चंगे तरीके नाल इहनूं बॉयल करांगे गोश्त नूं। ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके नाल गोश्त जिहड़ा ना उबल जाए। इत्थे साडा गोश्त उबल चुक्या है, हुण असीं इहनूं भुन्नांगे। जिहड़ा वी तुहाडे घर च तेल होए पा लो। 10 कु मिंट अच्छे तरीके नाल भुन्ना है गोश्त नूं। इत्थे 2 टमाटर कट के पा दित्ते ने। चार चम्मच जड़ी है ना दही असी उन फेंट के पा देनी। अच्छे तरीके ना गोश्त नूं भुनना है। मेरी सब्सक्राइबर कहंदी बाजी तुसी पंजाबी च वीडियो क्यों नहीं बनांदे। मैं क्या चलो फिर अज उन्हूं राजी करनी है। मैं इतने एक चम्मच कुटा हुआ जीरा है, एक चम्मच खुश्क धनिया है, 2 अदर लौंग ने, ते 1/2 टीस्पून जड़ी है ना वो काली मिर्च है, अद्धी चमची। इतने हम आलू कट के रखे ने वो पा रहे हैं, ते 2 सबज मिर्चा पा देनी है, अदरक कुट के रखी वो पा देनी है। अच्छे तरीके ना गोश्त नूं भुन्नांगे, फिर पानी ला देंगे ताकि इहदा अच्छे तरीके ना शोरबा तैयार हो जाए। हमेशा अदरक जड़ी हो एंड दे विच पानी है ताकि उनका जड़ा जायका है ना मज़ेदार आए। विच हुण एक गिलास पानी शामिल कर देंगे ते इहदा शोरबा तैयार करांगे। हैलो जी, साडा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। वेखो बहुत ही मज़ेदार बनया है। तुहानू अगर मेरी वीडियो वधिया लगे तो जरूर उन्हूं लाइक करना, जिथे मर्जी दिल करे उत्थे शेयर कर देना। तो मैनू अपनी दुआवां च याद रखना। मिलने एक नवी वीडियो च। रब रखा।